हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि हमने अभी अभी एक फॉर्म डिजाइन किया है सिंपल से। अब इसमें मुझे यूजर नेम टाइप करना है। क्या करना है? यूजर नेम टाइप करना ठीक है सर? ठीक है। लेकिन हम यूजर नेम में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ जैसे कि कोई और इंटरनेट वगैरह आप जाते हैं तो उसमें जैसे कि आप यहाँ देखिए ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें लिखा हुआ है एंटर मोबाइल नंबर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे कोई मोबाइल नंबर हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, वो हट जाता है, फिर मोबाइल नंबर डिलीट करते वापस आ जाता है। सेम फीचर हम अपने इस एक्सेल फॉर्म में कैसे करें? तो इसके लिए हम यूज करेंगे होम के अंदर एड इन नेम। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये रहता है एड इन नेम। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको हम इस वाले सेल पे, मैंने इससे पहले वाले सेल पे हम टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्लीज एंटर यूजर आईडी, राइट। मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कलर देता हूं ताकि हल्का डार्क दिखे, और फिर इसको मैं इंडेन की सहायता से फिर मिडल बीच में करता हूँ। हाँ, और इंडेन की सहायता से हम उसको जहां रखना चाहते हैं उसको हम पोजीशन को दे देते हैं। चलिए सर, और यहां भी हम सेम करेंगे। हम यहाँ पासवर्ड पासवर्ड लिख दिए और पासवर्ड को भी हम कलर चेंज कर देते हैं, और इसको भी हम इन नेम की मदद से सेंटर कर देता हूँ। हाँ, इन नेम की मदद से हम उसको जहां रखना चाहे वहां रख देते हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये पहले की जो ये है बॉर्डर है वो बॉर्डर हट गया। जी हाँ, वो हट जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इससे पहले एक और इंसर्ट कर लेते हैं, और इसको मैं यहां से ग्रे कलर कर देता हूँ सेम, और ई कॉलम को बहुत ही छोटा कर देता हूँ। ठीक उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक कर कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट सेल के बॉर्डर में, और यहाँ हम ऊपर वाला साइड वाला और ए जो है वो हम असाइन कर देते, इसको हटा देते, और हम सेम चीज यहां भी करेंगे। F4 प्रेस कीजिए, आई थिंक लास्ट एक्शन रिपीट हो जाता है। अब इसकी जो है इसको सेंट्रल और मिडल कर देते हैं, और इसकी जो कलर है वो ब्लैक कर देते हैं, जो डार्क ब्लैक होता है वो, और सेम इसकी भी ब्लैक और सेंटर। अब देखिए अब यहां दिख रहा है, जैसे मैं यहां डालूंगा सुजीत, हट गया सर, हाँ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे डिलीट करूंगा आ गया यूजर आईडी, सेम पासवर्ड में हमने 123 डाला, नहीं दिख रहा है, आ गया वापस पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड डालते समय वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर पासवर्ड कुछ भी डालते हैं तो नंबर दिख रहा है, मैं चाहे तो पासवर्ड ना दिखे। तो उसके लिए जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। इसमें हम कुछ नहीं करना है, डबल स्टार डाल देते हैं एंड ओके। अब मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लिखूंगा तो वो देखिए इस तरह की स्टार में आएगा। तो जो विजुलाइजेशन होता है इसी को हम विजुलाइजेशन कहते हैं कि आप अपने हिसाब से अपना चीजें चेंज करें। अब ये तो मैंने बहुत सारे बॉर्डर वगैरह, मान लीजिए सेम फीचर जो मैंने फीचर अप्लाई किया हुआ है, मुझे सेम फीचर चाहिए, लेकिन मैं कलर वलर जो है जो बॉर्डर की कलर होती है उस झंझट पे नहीं पड़ना चाहता हूँ। जो अभी बहुत सारा मेहनत लगा ना सर, वो नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिंपल सा ऑप्शन है कि आप सैप पे जाते हैं, सैप में लेके मैं एक कलर यहाँ पे एक सैप डिजाइन करता हूँ।
डिजाइन करने के बाद मैं इसके सेव फील्ड में इसको नो कलर कर देता हूँ, बट इसकी जो आउटलाइन है वो आउटलाइन मुझे ब्लैक चाहिए। आउटलाइन क्या चाहिए? ब्लैक। और आउटलाइन की जो विड्थ है वो विड्थ को हम अपने हिसाब से बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मोर लाइंस में देखिए एक बड़ा सा लाइन। कर दिए। और फिर पीछे का जो कलर है, ये जो कलर है इसके कलर को हम कोई और कलर दे देते, जैसे मैं दे देता हूं ग्रे। अब मैं आराम से इस पे थोड़ा सा पोजीशन आपको चेंज करना पड़ेगा हल्का, ताकि हम टाइप करें परफेक्ट में। अब देख रहे हैं आसानी से हम टाइप कर सकते हैं। और ये कॉलर ये दो बहुत छोटा हो गया, तो इसको थोड़ा सा बड़ा। अब ठीक है। अब मैं इसमें आसानी से चीजें टाइप कर सकता हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सेम इसके जैसा है ना सर? क्या सर? करेक्ट तो ये चीजें भी आपको तो ऐसा लगेगा कि जैसे बॉर्डर इसकी अभी दिख रहा है ऐसा। अगर मैं इसकी गिर लाइन हटा दूं यहां से तो अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। तो विजुलाइजेशन जो है हमारी रिपोर्ट की, जो डैशबोर्ड की विजुलाइजेशन होती है वो किसी कुछ इसी तरह से हम लोग तैयार करते हैं। जैसे अभी मैं टूल लिस्ट आपको दिखाया कि हमने ये अपने हिसाब से बना लिया, और जो ये डायरी का जो बटन लाइन है उसको लेके मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ठीक, डायरी की तरह वर्क कर गया। ये चीजें जो होती है वो हमारी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स में आती है। तो फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी फॉर्मेटिंग चूज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको मर्ज कर दिया और इसको मैं फॉर्मेट सेल में, यहाँ फिल में आ जाता है। अब फिल में फिल इफेक्ट आपके पास आता है, इसमें टू कलर यहाँ पे दे सकते हैं कि टू कलर का क्या कॉम्बिनेशन हो। तो मैंने एक व्हाइट ले लिया हुआ, एक तो मैंने यहाँ पे ब्लैक ले लिया हुआ। नहीं, मान लीजिए मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर देता हूँ, ब्लैक व्हाइट यही मैच करता है, माफ कीजिएगा। ठीक है सर? सर, आप इसकी बॉर्डर एक बड़ी सी बॉर्डर दे दीजिए। उस तरह से मान लीजिए मुझे बारकोड वगैरह प्रिंट करना है, बारकोड टाइप का कुछ प्रिंट करना है। हालांकि बारकोड टाइप का प्रिंट हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बारकोड के लिए फिर हमें क्या करना होता है, हमें बारकोड के लिए पैटर्न वगैरह डिजाइन करने पड़ते हैं। जैसे मैं ये ले लिया, ये बारकोड टाइप का हुआ बट नॉट ए बारकोड, क्योंकि बारकोड जो है वो अलग चीज होती है, वो उसको रीड किया जा सकता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसकी कोडिंग होती है। लेकिन वो कोडिंग करने के लिए हम उसके लिए एडिंस होता है, हम वो एडिंस डाउनलोड करते हैं तो अब वो बारकोड हमारा होता है। इसमें हम लोग बोलते हैं इसको पैटर्न स्टाइल, कि अपनी पैटर्न अपनी स्टाइल अपने हिसाब से रख सकते हैं अपने डेटा में। हर इसका यूज हम लोग चार्ट वगैरह में ज्यादातर करते हैं, न कि नॉर्मल फॉर्मेटिंग के अंदर। ठीक है सर? ठीक तो अभी तक जो हमने फॉर्म पढ़ा, अभी तक हमने अपनी जो फॉर्मेटिंग पढ़ी, नॉर्मल फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस कर लिए। अब बात आती है हमारी नंबर फॉर्मेटिंग की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे रियल लाइफ में, ऑफिशियल लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम एक्सेल पे ज्यादातर फॉर्मेटिंग करते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी के फॉर्मेट आपको दिखते हैं, तो कुछ तो सिंपल और बेसिक है, कुछ चीजें हैं जो कि इसमें बढ़ाने लायक है, जैसे कि कस्टम फॉर्मेटिंग। अब कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या है? अभी अभी आपने देखा कि मैंने अभी अभी यहाँ पे पासवर्ड को डाला तो स्टार हो जाता है, ये हमने कस्टम फॉर्मेटिंग से किया। कस्टम फॉर्मेटिंग में बहुत सारे कोड्स होते हैं, कोड कैसे परफॉर्म करते हैं ये डिस्कस करेंगे हम।
लेकिन इसकी डिस्कशन से पहले आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बना के कुछ दिखाएं। क्या दिखाएं? तो मेरे पास एक बच्चे ने मुझे बना के भेजा था पैन कार्ड का फॉर्मेट। देखिए सर, पूरी की पूरी पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म को इसने एक्सेल में डिजाइन कर दिया था। दिख रहा है सर? राइट। तो आप बोलेंगे सर मेरा मैं कैसे बनाऊं इसको, तो मैं ये नहीं बोला कि आप पैन कार्ड बनाएं, आप जाएं गूगल के इमेज पे, गूगल इमेज पे, और आप सर्च करें फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म। समझ गया? एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देखें कि किस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डिजाइन करने में समर्थ हैं। जिस एप्लीकेशन फॉर्म को डिजाइन आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, आपको कैपेबल है, सॉरी एलिजिबल नहीं कैपेबल है, आप उस फॉर्म को क्लिक करके इसकी पहले कॉपी करके इसकी इमेज रख लें एक्सेल शीट पे, या प्रिंट आउट निकालना है प्रिंट आउट निकाल लें और इसको डिजाइन करके मुझे भेजें, क्योंकि बहुत जरूरी है रिपोर्ट बनाने में। जैसे अभी अभी मैंने आपको कई चीजें दिखाया, जैसे वर्क बनाना मैंने दिखाया कि मैं इसका यूज करता हूँ, एक डायरी के फॉर्मेट में मुझे दिखता है जहां पे मैं अपने बच्चों का पूरा लिखता हूँ। तो यहाँ आप हमने ऐसे किया तो इसके लिए एक डिजाइन हमने तैयार किया, तो आप भी इस तरह से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे, वो डिजाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा।